शिक्षा का महत्व, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व विकास बगैर शिक्षा के हो ही नहीं सकता। कौन सी शिक्षा? जो खुद को संवारे, खुद को पहचान दिलाए, खुद को समझने में मदद करे। एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला हम आपके साथ शेयर करते हैं रिगार्डिंग अबाउट व्हाट इज पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी मीन्स व्हाट? कौन बोलेगा? किसे कहेंगे पर्सनैलिटी? कोई बात करेगा मुझसे? कौन बोलेगा? किसे कहेंगे व्यक्तित्व विकास? एनीबडी? मुझे पता है कि आपको पता है, आपके चेहरे बता रहे हैं आपको पता है। हमको बहुत कुछ पता होता है लेकिन पता बताने नहीं आता। क्या पता है ये भी बताने नहीं आता। आपने सुना होगा, गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, क्योंकि डर के आगे ये भी डर के बोल रहे हैं। आप इतने जोर से बोलो कि डर हमेशा के लिए भाग जाए। रिपीट। गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, क्योंकि डर के आगे। क्या बात है! आओ थोड़ा सा, यहां से आवाज कम आ रही है। रेडी? गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है, क्योंकि डर के आगे। अब शुरुआत करते हैं। फिर क्यों डर रहे हैं आप बात करने से? डर के आगे जीत है ना। जो डर गया समझो, आपको तो सब पता है। फिर डरना किस बात का? मेरे सवाल का जवाब दें। व्हाट इज पर्सनैलिटी? किसे कहेंगे? पर्सनैलिटी मीन्स पहचान, जिसे आप जाने जाते हैं। एक पहचान कौन सी? एक जो हमको ट्रेडिशनली मिली है, विरासत में मिली है, किस्मत से मिली है। नाम, खानदान, रिलीजन, मजहब, एक पहचान। ज्योग्राफिकल पहचान है ना, शहर की पहचान, गांव की पहचान, मोहल्ले की पहचान, कस्बे की पहचान, बस्ती की पहचान, मुल्क की पहचान, देश की पहचान है ना। तो पहचान ये विरासत में मिली है। मतलब कोई मुसलमान के घर में पैदा हुआ, कोई हिंदू के घर में पैदा हुआ, कोई ईसाई के घर में पैदा हुआ, बोल के आए थे ऊपर, कोई सिख के घर में पैदा हुआ, मुझे इधर ही पैदा करो, बोल के आए थे। नहीं ना, ना आना मेरे हाथ में था, ना जाना मेरे हाथ में है। लेकिन जो मुझे समय मिला है जिंदगी में, जीवन में किस तरह से बिताना है, ये मेरे हाथ में है। और मेरे हाथ में कब रहेगा, कब आएगा? जब मैं शिक्षा प्राप्त करूंगा। शिक्षा मतलब जानूंगा। शिक्षा का मतलब सिर्फ डिग्री हासिल करना नहीं होता। शिक्षा का मतलब है जानना, अवेयरनेस है ना। एजुकेशनल अवेयरनेस मीन्स खुद को जानना। पहला सवाल, हु आई एम, मैं क्या, मैं कैसा, मैं क्यों, मैं किस लिए? अपने आप से पहला सवाल। शिक्षा का महत्व कब बढ़ता है? जब हमारे पास प्रश्न हो, सवालात हो। पहला सवाल, हु आई एम, मैं ना आया अपनी मर्जी से, ना जाऊंगा अपनी मर्जी से। एक सवारी आएगी जाएगी, बारी बारी सबकी बारी आएगी। जो आएगा वो, लेकिन एक मुद्दत तक मैं आया हूं। उस ईश्वर ने, उस भगवान ने, उस अल्लाह ने मुझे यहां भेजा। क्यों भेजा भाई? हुआ पहला सवाल। ये सवाल का जवाब जब मिलने लगता है, तब जाके पर्सनालिटी मींस इट्स ए कंटिन्यूसली प्रोसेस टिल डेथ तक। डिग्री हासिल करने का नाम पर्सनालिटी नहीं है। ये डिग्रियां तो टिकट हैं, इसकी जरूरत है, आवश्यकता है। तो कैसे जाने अपने आप को?
किसी ने क्या खूब कहा है, जिसने खुद को जाना उसने ईश्वर को जाना, उसने मंजिल को जाना, उसने मकसद को जाना, उसको जिंदगी जीने का प्लान मिल गया, पढ़ने का मकसद मिल गया, है ना। फिर तभी तो पहचान बनेगी। पहचान तो दो तरह की होती है, एक अच्छी और दूसरी। हाँ, पर्सनालिटी के बहुत सारे डेफिनेशन है। एक तो ये भी है कि कलेक्शन ऑफ हैबिट्स, हमारी आदतें। आदतें भी दो तरह की हैं, एक अच्छी। अब आदतों से इंसान पहचाना जाता है। तो बहरहाल हमको विरासत में ये नाम मिला, एक पहचान मिली, लेकिन उस पे इफेक्ट होता है एनवायरमेंट का। जीवन में सुबह से लेकर शाम तक हम जिंदगी गुजारते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारी चीजें हमारे साथ ऐसी होती हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, है ना। कोई हमको पसंद करता है, कोई नहीं पसंद करता है, और फिर पसंद करने वाला हमको अच्छा लगता है, नहीं पसंद करने वाले से नफरतें बढ़ने लगती हैं, दूरियां बढ़ने लगती हैं। और इसका मुकाबला हम सही शिक्षण हासिल करके ही लोगों के दिलों को जीता जा सकता है, अपना मकाम बनाया जा सकता है। डिजाइन अवर ओन फ्यूचर, हम खुद को कोई शिल्पकार हैं। मतलब पर्सनालिटी मीन्स नॉलेज प्लस एक्शन इज इक्वल टू पर्सनैलिटी। दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है, नॉलेज, कौन सा नॉलेज, तो नॉलेज ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस ईश्वर ने सभी को 5 सेंस दिए हैं। 5 ऑर्गन क्या है? गुड, हाँ चलो, किसने बोला? हमेशा लेडीज फर्स्ट होती है, अदरा जेंट्स को दे देंगे चांस। बोलो, स्टैंड अप, कौन बोल रहा था? अच्छा, आप ही खड़े हो जाइए, कोई बात नहीं। हाँ बोलिए, एक मिनट, वन मिनट। हाँ बोलिए, वेरी गुड। हाँ, स्किन, वेल डन। योर गुड नेम प्लीज। जोरदार क्लैपिंग के लिए, क्या बात है। चलो शुरुआत तो अच्छी हो गई। ये 5 सेंस सबको दिया है उस ईश्वर ने, है ना। यहीं से सही शिक्षा प्राप्त होती है। शिक्षा मतलब समझना, समझना, ऑब्जर्वेशन करना। अच्छा, 5 सेंस का इंपॉर्टेंस इक्वल है, सबका अपना महत्व है, है ना, सबकी अपनी इंपॉर्टेंस है। इसमें नंबर 1 किसको देंगे आप? हाँ, आईज को देंगे। किसको देंगे? आईज को। साइट को किसको देंगे? टंग। अब देखो, 2 तो हो गए, बचे 3। किसको देंगे? अरे भाई, सब तो है ना, उसमें एक क्लासिफिकेशन हम करते हैं। किसको देंगे? आईज, स्किन, टंग, लिसनिंग, साउंड। देखो, जब बच्चा पैदा होता है, है ना, जैसे ही दुनिया में आंख खोलता है, अलो 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 आवाज करते हैं। आवाज क्यों करते हैं हम? क्योंकि पहला एक्टिवेट लिसनिंग होता है। साउंड करने के बाद दिखता है, गुड 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 दिखता है वो। ऐसा तो कभी नहीं होता ना, पिताजी आ गए, अम्मी आ गए, अब्बू आ गए, ताया आ गए, दिखता है क्या वो? साउंड पे रिएक्ट करता है, लिसनिंग, सुनना, है ना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में ये 5 सेंस बहुत बहुत महत्व रखते हैं। इनका अगर जिस दिन आपको सही इस्तेमाल करने आया, सही सुनना, उसके बाद देखना, महसूस करना, है ना, यहां से ज्ञान प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल, 2-4 रोज का बच्चा या छोटा बच्चा बिल बिला कर रोने लगता है, कई लोग घर के समझाने लगते हैं, ओ करने लगते हैं, माँ कहीं बिजी है, कुछ काम में बिजी है, बच्चा चुप नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही माता जी आती है, बच्चे को हाथ में लेती है, चुप हो जाता है, पहचानना शुरू कर दिया। मतलब नॉलेज गेन होने लगा है, छूने से, महसूस करने से ज्ञान प्राप्त हुआ, ये माँ है ना। साउंड से,
चखने से, सूंघने से, इससे। अब देखो सुनना, सबसे बड़ा महत्व सुनने का ही है। देखो मैं सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं, सुन रहे हैं ना? आपके पिताजी सुनाते हैं, आप सुनते हैं। आपके माताजी सुनाते हैं, आप सुनते हैं। सर आपको सुनाते हैं, सुनते हैं आप। आपके बड़े लोग आपको सुनाते हैं, आप सुनते हैं। मैं भी सुना रहा हूं, आप सुन रहे हैं। ये सब जितने भी बड़े लोग हैं उनके सबकी एक ही कंप्लेंट है, एक ही शिकायत है कि आप सुनते नहीं। पिताजी बोलते लाख बार बोला, सुनता नहीं। माताजी बोलते क्या करूं, इस बच्ची का सुनती नहीं। सुनना। अब कुछ लोग तो सुनने की एक्टिंग करते हैं, सुनते बिनते कुछ नहीं, क्योंकि इसमें कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है। और यही यहीं पर वर्कआउट करने के बाद शिक्षा का जो सही लाभ होना है यहां से होता है। आपको अगर इसमें हम वो टेक्निक बताएंगे कैसे सुनना, ये फाइव जो सेंस है इसको कैसे यूटिलाइज करना। क्लास में टीचर सुनाते रहते हैं, हम सुनते नहीं, खाली सुनने की एक्टिंग करते रहते हैं, ध्यान इधर उधर चला जाता है, ऐसा लगता है बहुत ध्यान से सुन रहा है, बूम बोल के गायब हो जाता है, कुछ भी दिमाग में ख्याल आने लगते हैं। इसमें वर्कआउट कैसे करें, ये इस वर्कशॉप का मेन आपको गेन रहेगा। वर्कआउट करना है खुद पे, खुद को खुद ही संवारना है। मतलब इसमें क्लीननेस कैसे पैदा करें, सही सुनना, सही देखना, सही महसूस करना, इसी पर विचारधारा बनती है। जैसा एक मैंने एक जुमला कहा था, पहचान पर्सनालिटी हमको विरासत में मिलती है, लेकिन इस पे इफेक्ट होता है एनवायरमेंट का। आप किस एनवायरमेंट में रहते हैं वैसे आपकी विचारधारा बनती है, किन लोगों के बीच में हम उठते बैठते हैं, क्योंकि विचार वहीं से शुरू होती है। ये सॉफ्टवेयर फॉर एग्जाम्पल, इसके एक सिंपल मिसाल देता हूं जो हमेशा याद रहेगी। कंप्यूटर लैपटॉप सबको पता है, आज ये जरूरत है इसकी, बहुत महंगी चीज है। आप कितने भी 60,000 का अगर लैपटॉप और कंप्यूटर घर ले जाते हैं और ऐसे ही यूज करेंगे, यूज होगा एज पर रिक्वायरमेंट। जब तक उसमें आप एक सॉफ्टवेयर इनपुट नहीं करेंगे चलेगा क्या? आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें एक सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा, थ्रू इंटरनेट, थ्रू पेन ड्राइव, थ्रू डीवीडी, थ्रू सीडी, कहीं से भी, या इंटरनेट से डाउनलोड करना पड़ेगा या खरीदना पड़ेगा, तब जाकर वो कंप्यूटर आपके काम का है। आपने कंप्यूटर लिया और आपको हिंदी टाइप करना है, उसमें हिंदी सॉफ्टवेयर ही नहीं है, काम का है? जब तक वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करेंगे, या आपको हिसाब किताब करना है, टैली करनी है, तो टैली का सॉफ्टवेयर आता है, वो जब तक नहीं डालेंगे काम ही नहीं पड़ेगा। तो हर काम के सॉफ्टवेयर होते हैं, डाउनलोड करना पड़ता है, प्रोग्रामिंग बनता है, और प्रोग्रामिंग बनने के बाद एक बहुत बड़ा प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है। वो क्या? कंप्यूटर में किस बात का खतरा रहता है कंप्यूटर को, किस बात का? हाँ, वायरस का। तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है कि सॉफ्टवेयर कितना भी कीमती हो उसमें वायरस आने के चांसेस 90% होते हैं। प्रिकॉशन लेना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत कीमती सॉफ्टवेयर है, लेकिन अब नजर हटी के दुर्घटना, प्रिकॉशन लेना पड़ता है। उसी तरह से हमारा माइंड भी एक कंप्यूटर है, और यहां पर जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होता है, सुनने से, देखने से, चखने से, महसूस करने से विचारधारा बनती है। आप किन लोगों के बीच में उठते बैठते हैं? नफरत करने वालों के बीच में बैठते हैं तो नफरत का प्रोग्राम बनने लगता है। अमन, पीस, भाईचारगी की बात करने वाले के बीच में रहेंगे, सबकॉन्शियसली डाउनलोड होने लगता है प्रोग्राम। मतलब हर इंसान इस पृथ्वी पे जो मनुष्य है, हर इंसान पाक है, नेक है, वो फरिश्ता ही है। कोई इंसान बेसिकली बुरा नहीं होता, लेकिन गलत इन्वायरमेंट में जाएगा प्रोग्रामिंग। तो खुद को डिजाइन करने के लिए पहले आप किन दोस्तों के बीच में उठते बैठते हैं, ये बहुत महत्व रखता है। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत साफ सुथरे हैं, लेकिन कोयले के वखार में बैठे हैं, कोयले की दुकान में बैठे हैं, बच पाएंगे? अरे बच पाएंगे क्या? कोयले की वखार में बैठेंगे, बच पाएंगे? कहीं ना कहीं दाग धब्बा लग ही जाएगा।
या फिर जैसे खासकर हमारे बॉयज, अब कुछ बच्चे बिगड़े हुए होते हैं सिगरेट पीने का या गुटखा खाने का, उनको बाद में आपको ऐसे फेसेस फेस करना पड़ता है जब आगे बढ़ने लगते हैं, ऐसे लोग आपके दोस्ती में आते हैं, तो ऐसे दोस्तों से हमेशा दूर रखना। डेफिनेटली ये बहुत ही गंदी चीज है सिगरेट, गुटखा, तंबाकू। आप जानते हैं आप नफरत भी करते हैं, लेकिन उस तरह का वो पीने वाला, व्यसन करने वाला दोस्त आपके कनेक्शन में आएगा, जो चीज को आप दोस्त साथ रहते रहते आप तो नफरत करते रहेंगे, लेकिन उसके गुण की वजह से आप उसको चाहने भी लगे, लेकिन उसकी बुराई भी फिर बाद में आपको बुरी लगती नहीं। जितना पहले आप नफरत करते थे उतनी नफरत सिगरेट से कम होने लगती है, क्योंकि उसके साथ रह रहे हैं आप। और पता है जो सिगरेट पीता है उससे कहीं ज्यादा नुकसान उसके साथियों को होता है, तो इससे बचना किसको है? हाँ, आप गलत जगह पे बैठेंगे गलत इफेक्ट होगा। अगर आप परफ्यूम की जगह पे बैठेंगे तो, फूलों की क्यारी में बैठेंगे तो, इत्र फरोश की दुकान में बैठेंगे तो खुशबू ही आएगी। तो डिजाइन और ओन फ्यूचर, आज के बाद ये साफ तो सब साफ। और इसका एंटीवायरस क्या है इस कंप्यूटर का? इसका तो मार्केट में मिलता है, आपका प्रोग्राम बहुत सॉलिड हो गया, इसका एंटीवायरस क्या है? कौन बोलेगा? हाँ, क्या है इसका एंटीवायरस बेटा? नहीं, ब्रेन तो कंप्यूटर है, प्रोग्रामिंग इंस्टॉल हो गया, अच्छा प्रोग्राम संस्कार मिल गया आपको। हमको अलर्ट रहना है गलत दोस्तों से, बिगड़े हुए लोगों से अगर मिल गए, उससे बचने के लिए इसका एंटीवायरस क्या है? विचारों का, एक मिनट। हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? बैठो, थैंक यू वेरी मच। कौन बोल रहा है? हाँ, ये भी सही जवाब है, जोरदार क्लैपिंग। मेडिटेशन करना, अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना, अपने लिए वक्त देना। और कौन बोलेगा? और क्या है? देखो, बुरी चीज से बचने का डर किससे? किसी का कहना, किसी का डर होता है कि बुरी चीज से बचना है, किससे डरना है, किसी चीज से? बुरी चीज से डरने के लिए किसी से डरना होगा ना, किससे? जल्दी जल्दी बोलिए, वक्त का मैं गेम खेलना आपने आपके साथ। हाँ बोलिए, किससे? हाँ, पेरेंट्स से। बिल्कुल बिल्कुल, रिस्पेक्ट के साथ डरना है, ये भी सही जवाब है। और हाँ, किसने बोला? खड़े होके बोलो, बिल्कुल भगवान से, बिल्कुल 100% सही जवाब। वो ईश्वर जिसको हम मानते हैं, उससे डरना, जो उससे डरता है सारी दुनिया उससे डरती है, सारी दुनिया उसकी इज्जत करती है, उसी को उससे डरना जिसने हमको पैदा किया। वेल डन। आपका नाम बेटा? दीपक के लिए जोरदार क्लैपिंग, थैंक यू वेरी मच। चलो गेम खेलते हैं, गेम खेलेंगे मेरे साथ? रेडी है? सब तैयार है? रेडी? देखिए, बात चल रही थी सुनने की, देखने की, महसूस करने की, कैसे सुनना कैसे देखना। याद रखिए, कचरा खाएंगे कचरा बनेंगे, है ना? ये जंक फूड खाएंगे पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी, तो ये प्लानिंग करनी चाहिए ना, है ना? अच्छी चीज खाएंगे सेहत अच्छी बनेगी। और व्यक्तित्व विकास का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस हेल्थ के साथ है। आप बहुत ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छे हैं, बीमार हैं, क्या फायदा ऐसे टैलेंट का? फायदा है? तो आज के बाद जंक फूड, बाहर की चीजें नहीं खानी चाहिए, घर की चीजें खानी चाहिए। रेडी? चलो गेम खेलते हैं। देखिए, देखना और सुनना, मैं सुना रहा हूं, पहले सुन लीजिए। मेरा हाथ यहां आएगा, क्लैपिंग होगी, हाथ हटेगा, क्लैपिंग बंद। रेडी? हाथ मेरा यहां आएगा, क्लैप चलते रहेगा, हाथ हटेगा, क्लैपिंग बंद। रेडी? 80% बच्चे तो रेडी दिख रहे हैं, बाकी लोग ऐसे ही बैठे हैं। रेडी मींस रेडी, रेडी इधर, सबका ध्यान इधर, गुड।
देखो क्लैप तो अच्छी हो रही है, काफी लोग अच्छा बजा रहे हैं, कुछ लोग कैसे बजा रहे हैं, ऐसा बजाओ कि जो सो रहा है वो जाग जाए, फुर्तरी आ जाए, एकदम रिचार्ज हो जाए, एंजॉय करें। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, रेडी। मतलब आप देखते नहीं है, बात चल रही थी देखने की और सुनने की, मैंने सुना दिया, आपने सुन लिया, लेकिन देखना था। रेडी, इट्स ए गेम। देखो आप कुछ लोग डर डर के बजा रहे हैं, साउंड कम हो गया। एक्चुअली हम हारना नहीं चाहते, इसलिए जीतते नहीं, हारना नहीं चाहते इसलिए जीतते भी नहीं। तो एक खिलाड़ी कितने गेम खेलता है, हाँ, कितने भी बड़ा खिलाड़ी हो, कई बार हारता भी है तो खेलना छोड़ता है क्या? नहीं। तो अपने डीमेरिट्स को, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाता है। तो एग्जाम ऐसे ही होते हैं, अगर कुछ परसेंटेज कम होता है तो सेल्फ एनालिसिस करें, अपना सेल्फ एनालिसिस करके अपनी वीकनेस क्या है, आप कितने घंटे पढ़ते हैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं है, कितना समझते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अपने आप को, शून्य पे पहुंचना अपने आप को। रेडी, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मैं कुछ भी नहीं करा तो बजा रहे हैं आप, रेडी। इधर मिस्टेक बहुत कम हो रहे हैं, यहां ज्यादा हो रहे हैं। रेडी, क्या बजा रही नहीं है आप? रेडी, मैं ऐसे ऐसे से कर रहा हूं बजा रहा है। अलर्ट रहना, इट्स ए गेम, अलर्ट। कैसा लगा गेम? अब देखिए ये पांच चीजों को हम कैसे यूटिलाइज करें, कैसे हम स्टडीज करें, कैसे ध्यान उसको केंद्रित करें, और यहां से शुरुआत होती है सोचने की, खुद को खुद ही संवारना है। अब कई लोगों को फोबिया होता है, फोबिया डर, अलग अलग किस्म का डर होता है, किसी को हाइट का होता है, किसी को एग्जाम का होता है ना। अक्सर एग्जाम का जो डर है, देखिए ये डर से खुद को खुद ही निकालना होगा, कोई किसी को नहीं निकालता। आज के बाद एक नई सोच के साथ, नए विचार के साथ, ये जो माइंड पावर है, सोच, देखो आपकी सोच, सोच दो तरह की होती है, एक निगेटिव और एक तो नेगेटिव जोन में पॉजिटिव कैसे बनाया अपने आप को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक प्रोसेस है, इसको वक्त लगता है, लेकिन पॉजिटिव बनाने के लिए पॉजिटिव लोगों के साथ बिताना, वक्त बिताना होगा ना, है ना। सक्सेस क्या है? अच्छा देखिए, सक्सेस एक्चुअली कॉन्सेंट्रेट करने के लिए अपना लक्ष्य, लक्ष्य क्या हो जिंदगी का, बहुत महत्व है। अगर जिसके पास अगर लक्ष्य नहीं है, या सपना नहीं है, ख्वाब नहीं है, या फिर तो ऐसे लोग दूसरों के सपनों के लिए जीते हैं, दूसरों के लक्ष्य, दूसरों के मकसद के लिए जीते हैं। तो सक्सेस की डेफिनेशन हर एक की अलग अलग होती है। तो खुद को पहले जब तक जानेंगे नहीं, हमने शुरू में आपसे कहा था, जिसने खुद को जाना उसने ईश्वर को जाना। तो खुद को कैसे जाने भाई? चलो एक सिंपल हम लॉजिकली बात करते हैं आपके साथ। आपने सभी ने आधार कार्ड बनाया होगा, बनाया। अब आधार कार्ड जब आप बनाने के लिए पहुंचे तो आपके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, है ना, सबके फिंगरप्रिंट्स लिए गए, उसके बाद आंखों का स्कैनिंग हुआ, सारी इंफॉर्मेशन आपकी इनपुट की गई डाटा में, है ना, उसके बाद
आपकी फोटो ली गई, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह बहुत केयरफुली, मतलब हमारे इस देश की कुल जो पॉपुलेशन है मोर देन 125 करोड़ है, 125 करोड़, आप तकरीबन एक अंदाजे के मुताबिक 85% लोग अपना आधार कार्ड बना चुके हैं। आधार कार्ड मतलब पहचान, आपकी पहचान। अब देखिए, जब कभी आप जब यहां से निकलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और एजुकेशन के फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे, तो कई ऐसे मौके आते हैं जहां आधार कार्ड की जरूरत होती है ना, जब वेरिफिकेशन होता है। आधार कार्ड बताने के बाद आपको पता है, नंबर इनपुट करने के बाद ये आप हैं नहीं हैं कैसे पता चलेगा, तो एक मशीन आती है, इस मशीन पे आप अपना अंगूठा रख दीजिए या कोई भी उंगली छू दीजिए, जैसे आप कंप्यूटर के या लैपटॉप के सामने जो मशीन रखी हुई है उसको से छूते हैं, विद इन अ सेकंड 125 करोड़ का जो डाटा है, विद इन अ सेकंड स्क्रीन पे आपकी तस्वीर आएगी, आपकी सारी इंफॉर्मेशन आएगी, बायोडाटा आएगा। क्यों भाई? क्योंकि मेरे हाथ की लकीरें दुनिया में किसी से मैच नहीं होती। सोचने की बात है, आपकी आंखों का डिजाइन दुनिया में किसी से मैच नहीं होता, मेरे ब्रेन का डिजाइन दुनिया में किसी से मैच नहीं होता, मेरे बदन से निकलने वाली महक या पसीने की बू दुनिया में किसी से मैच नहीं होती, मेरी आवाज अलग, चलना अलग, उठना अलग, बैठना अलग, सोना अलग, सब कुछ अलग, अंदाज अलग, अदा अलग, सब कुछ अलग, सब कुछ जुदा। कहते हैं इस धरती पर इंसान का वजूद आगमन 2 लाख साल से है, मतलब मैं सबसे अलग, मैं सबसे जुदा। आप देखते हैं जहां कहीं डकैत होती है, चोरी होती है, पुलिस सबसे पहले फिंगरप्रिंट्स लेती है ना, क्योंकि किसी के फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं होते। या फिर पुलिस क्या करती है, या फिर स्पेशल कुत्तों को लाती है। कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसमें सूंघने की शक्ति इंसान से 1000 गुना ज्यादा होती है, जैसे हमारे सूंघने की शक्ति से नॉलेज ज्ञान होता है। आप जब घर जाएंगे, स्कूल छूटेगी, घर जाएंगे और घर में एंट्री होने के साथ, बस्ता रखने के साथ कुकर की सिटी सुनाई दी, खुद बखुद आपको पता चल जाता है कि क्या बना है आज, नॉलेज, अवेयरनेस। तो कुत्ते में वो शक्ति है जो इंसान की हर एक की अलग अलग खुशबू निकलती है, उसको पहचानता है। जैसा नाबीना ब्लाइंड लोग, अगर आप जिंदगी में किसी ब्लाइंड से दोस्ती करेंगे, अच्छे दोस्त बन जाएंगे, तो कुदरत ने उनको भी सूंघने की शक्ति हमसे बहुत ज्यादा दी है। वो रब्बुल आलमीन, वो ईश्वर, वो भगवान, वो खुदा अगर किसी इंसान को कुछ कम देता है तो बदले में बहुत कुछ देता है। वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत रखता है, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता सबको। तो आप अगर किसी अंधे आदमी से या दोस्त बनाएंगे किसी ब्लाइंड को, और कई दिनों बाद आप मिलने आपको जाना है, दबे पांव जाइए, आवाज मत कीजिए, आठ मत कीजिए, जाके बाजू में बैठिए। वो खुद बोलेगा कब आया आप, कब आया, सूंघने से पहचानेगा वो। ये कुदरत है जो किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करती। शर्त ये है उन गुणों को निकालना। वो गुण क्या है, जैसे खुद को जानना, जैसा मैं सबसे अलग, मैं सबको सबसे जुदा, ये मैं जान गया, आई एम यूनिक। मतलब जब से दुनिया बनी तब से लेकर अब तक और जब तक रहेगी तब तक इस दुनिया में अनगिनत लोग आते जाते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे, उन सब में मुझ जैसा कोई नहीं होगा। आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक। उस ईश्वर की मुझ पर इतनी कृपा कि उसने मुझे इतना यूनिक बनाया, इतना खास, कि मुझ जैसा पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी में कोई नहीं। इतना खास क्यों बनाया, सिर्फ खा के मरने के लिए? ये काम तो जानवर भी करता है, वो भी खाता पीता मरता है, मैं भी खाता पीता मरता हूं, तो मुझे इतना यूनिक क्यों बनाया? फिर जानवर और मुझ में क्या फर्क है? कौन बोलेगा, जानवर और मुझ में क्या फर्क है? हाँ, इंसानियत का फर्क है, मेरे में इंसानियत थी उसने। वेल डन, जोर एक शाउटिंग। जानवर बोल नहीं सकता, उसमें इंसानियत, मनुष्यता नहीं है।
तुम मुझे इतना खास बनाया। अक्सर लोग मतलब यहां से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक प्रोसेस शुरू होता है जानने के बाद आई एम द बेस्ट, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद की इज्जत करना। याद रखिए अक्सर लोगों को शिकायत होती है कि लोग उनकी इज्जत नहीं करते, इग्नोर करते हैं। गलत, आज के बाद खुद की इज्जत करना सीखिए, दुनिया मजबूर हो जाएगी आपकी इज्जत करने के लिए। तो खुद की इज्जत कैसे करें भाई? इज्जत मिलती है खुद की इज्जत जो करता है उसका एटीट्यूड लोगों के साथ अच्छा होता है, उसका बिहेवियर दूसरों के साथ अच्छा होता है, वो मीठी जुबान बोलता है, वो गाली गलौज नहीं करता, वो बैड हैबिट से दूर रहता है। इस रिस्पेक्ट खुद की वही लोग करते हैं जो बुराई से बचते हैं, जो खुद की आई एम कीमती, आई एम सॉलिड, आई एम यूनिक, मैं खास, सबसे अलग। सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब अक्सर कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस इसलिए भी नहीं आता, वो खुद की इज्जत ही नहीं करते और चाहते हैं कि लोग उनको इज्जत करें। इज्जत मिलती है इज्जत देने से, इज्जत खुद की करने से दूसरों से भी इज्जत मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप समझ लो कि देखिए अक्सर क्या होता है, हम किसी खास आदमी को देखकर डिप्रेशन में चले जाते हैं कभी कभी, या इंफेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, मैं ऐसा क्यों नहीं, वो ऐसा क्यों है, जेलेसी, जलन, हसद, ये आपको अंधेरे में लेके जाती है। आप जब किसी अच्छे आदमी को देखें, देखिए सबसे बड़ा सक्सेस क्या है, दूसरों को खुश देखकर खुश होना, आप उसको सलूट कीजिए, भाई तेरे गुण तुझे मुबारक, लेकिन मुझ में ऐसा कुछ है जो तेरे पास नहीं है। अब मेरे पास जो है वो कैसे मिलेगा? शिक्षा के अलावा नहीं मिलेगा, नॉलेज के साथ ही हम अपने छुपे हुए गुणों को बाहर निकाल सकते हैं, अपनी अच्छाई को बाहर निकाल सकते हैं। जीवन अगर एक सफर है, जर्नी है, तो मेरे अंदर छुपे हुए गुण उसके एक्सपेंसेस हैं, उसको निकालना होगा, उसको बाहर निकालना होगा। तो आई एम द बेस्ट, आई एम यूनिक। तो पहला सवाल आपसे, मैं इतना खास, मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए? मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए? देखो इंपॉर्टेंट सवाल है, पता तो चले कौन किसके लिए। मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए? मैं दुनिया के लिए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं दुनिया मेरे लिए, कुछ लोग बोल रहे हैं मैं दुनिया के लिए, और कुछ लोग बिल्कुल साइलेंट है, उनको मालूम ही नहीं मैं किसके लिए। मैंने कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया मैं किसके लिए, मैं तो ऐसे ही। फिर इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे, मेरा क्या है साहब, मैं तो इधर भी मैं तो उधर भी, जिधर चांस मिला चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, तो मैं किसके लिए? सभी सवाल है कि नहीं? अच्छा एक, चलो और एक सवाल पूछता हूं मैं, जवाब आप ही देंगे। मैं खाने के लिए के खाना मेरे लिए? अरे मैं खाने के लिए के खाना मेरे लिए? यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है, खाने के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, और जीवन गुजारने के बारे में कंफ्यूजन है। मैं हवा के लिए के हवा मेरे लिए? मैं खुशबू के लिए के खुशबू मेरे लिए? मैं बिस्तर के लिए के बिस्तर मेरे लिए? मैं दुनिया के लिए कि दुनिया मेरे लिए? यस, ये दुनिया आई एम द बेस्ट। उस ईश्वर ने कैसे कैसे खुशबुएं, न्यामतें, फल फ्रूट्स, अच्छे माता पिता, अच्छे लोग दिए हैं मुझे मेरे लिए, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो ईश्वर, वो प्रभु, वो भगवान, 70 माओ से ज्यादा। लेकिन शर्त उसने ये की है कि उसका धन्यवाद करना, उसका शुक्रिया अदा करना और मकसद तलाश करना। उसने ये खूबसूरत दुनिया मेरे लिए बनाई तो इसको अंधेरे से बचाना, नेगेटिविटी से बचाना, नफरत से लोगों को बचाना, ये हमारा मकसद होना चाहिए। शिक्षा इसके लिए होनी चाहिए, शिक्षा नफरत फैलाने के लिए नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर का बड़ा अच्छा सेंटेंस है जो आपको हमेशा जिंदगी में काम आएगा। कौन थे भाई रविन्द्रनाथ टैगोर? उनका सबसे बड़ा, उन्होंने क्या काम किया? राष्ट्रगान लिखा, बिल्कुल सही। तो उन्होंने बड़ा अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंधेरे में भी रोशनी की बात कैसे करें, वो कहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, डूबते हुए सूरज ने कहा अब मेरी जगह कौन लेगा,
डूबते हुए सूरज ने कहा, मतलब अंधेरा छा जाएगा, डूबते हुए सूरज ने कहा अब मेरी जगह कौन लेगा, तो टिमटिमाते हुए दिए ने कहा मैं कोशिश करूंगा। यह है कॉन्फिडेंस, यह है अंधेरे को दूर करने का इरादा। आप सक्सेस आपके अंदर है, बाहर तलाश मत कीजिए। सक्सेस विद इन अस, सक्सेस हमारी सांसों में है, हमारे एग्जिस्टेंस में है। मौलाना आजाद विश्वविद्यालय इसी मिशन को लेकर गांव गांव, शहर शहर, बस्ती बस्ती, नगरी नगरी हम घूम रहे हैं शिक्षा का महत्व बताने के लिए। ये हमारी छोटी सी एक कोशिश है। हम आपके पास भी दस्तक देने आए हैं। हम प्रेसिडेंट साहब का, वाइस प्रेसिडेंट साहब का, प्रिंसिपल साहब के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हमारी दस्तक के लिए दरवाजे खोले, आपसे मिलने का मौका दिया, आपसे बातचीत करने का मौका दिया। आप कभी गए मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी? देख, नाम सुना है कभी? गए तो तकरीबन 2 लाख स्क्वायर फुट का एक बहुत बेहतरीन कैंपस यहां से बन चुका है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कभी एक एजुकेशन शिक्षण टूर एक वहां पर जरूर बच्चों को एक दिन के लिए ले जाएं। बहुत ही अच्छा एनवायरमेंट है, आपका दिल बाग बाग हो जाएगा एक एनवायरमेंट चेंज होने के लिए। और उन सब बच्चों के लिए जो मेरिट में आते हैं, उनके लिए जो टॉप में आते हैं, फिर कुछ अच्छे अच्छे भी बच्चे होते हैं जिनका परसेंटेज किसी वजह से नहीं आता, तो उन लोगों के लिए भी छोटे छोटे कोर्सेस बिल्कुल अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए। आप सारी तफसील आपको मिलेंगे, एक बार विजिट करेंगे कौन कौन से वहां कोर्सेस है, नर्सिंग से लेकर फार्मेसी से लेकर ढेर सारे कोर्सेस, तकरीबन 31 इंस्टीट्यूट है। एक कोशिश है, एक यूनिवर्सिटी सेवा के लिए है, हर नागरिक के लिए है, सबके लिए है। यही मैसेज लेकर हम आपके पास आए हैं। और लेकिन प्यास आपके पास होनी चाहिए, प्यास बढ़ाओ कुछ बनने की। अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना, यू आर द बेस्ट। हाँ, लेकिन बेस्ट होने के साथ देखिए, एक फल फल देने वाला दरख्त झुका हुआ होता है, नम्रता होती है, घमंड नहीं करना है, है ना, नरमी पैदा करनी है। तो सक्सेस आपके अंदर है। तो जाने से पहले एक गेम खेलेंगे सक्सेस का, रेडी है? देखिए, मैं सब जगह तकरीबन हिंदुस्तान के मैं अब तक 3 से 4 लाख लोगों से मिल चुका हूं और हम घूमते ही रहते हैं इस तरह से। तो आज आपके पास है, आज ये गेम हम हर एक के साथ खेलते हैं और आपके साथ भी खेलेंगे। और ये मैसेज जो सक्सेस का, शिक्षण का मैसेज लेकर आपके पास आए हैं, और पूरी संस्था के ट्रस्टीज का और हमारे साथ जो इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया है मोहम्मद अमीन साहब और शाहबुद्दीन सर, कोऑर्डिनेटर हमारे आपके साथ हैं, ये आपके बीच में रहेंगे। हम आपको मिले ना मिले, लेकिन इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, इनका नाम पूछ के वहाँ पहुँच सकते हैं, और सर बखूबी अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, कभी जब भी आपका मन चाहे आप ज़रूर आए। तो शुरू। अच्छा, वो गीत आता है आपको, हम होंगे कामयाब, आता है? प्यार से गाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह से? चलो मेरे साथ पहले एक रिहर्सल करते हैं। इसमें गेम है, गेम खेलेंगे। 1 2 3 हम होंगे, हम होंगे कामयाब एक दिन, ओहो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन, ओहो मन में है पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, ओहो मन में है पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सुंदर गीत गाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार क्लैप। अब इसमें एक गेम खेलेंगे, तैयार है गेम? देखो पहला स्टांजा उतना ही गाएंगे, एक रिपीट करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि 90% लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मिंग किया, परफॉर्मिंग के साथ साथ चेहरे पर एक्सप्रेशन भी वैसे चाहिए ना,
सर चेहरे से लगना चाहिए हम, यस सक्सेस चाहिए हमको। कुछ लोग तो कैसे कह रहे थे, हम होंगे कामयाब, हम हो बुझावा बल्ब है ना, चेहरे पर एक्सप्रेशन चाहिए राइट, आंखों में चमक चाहिए। यहां से गाइए, यहां से नहीं, यहां से। चलो उतना ही गुनगुनाते हैं, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। इसमें गेम है, इतने स्टैंजा में गेम खेलना है। अच्छा मुझे ये बताओ इसमें कामयाब कितने बार आया और विश्वास कितने बार आया, कामयाब कितने बार आया, हाँ कामयाब तीन बार आया, अच्छा फोर टाइम्स कामयाब आया और विश्वास टू टाइम्स, विश्वास दो बार आया और कामयाब, कामयाब कितने बार आया, चार बार और दो बार। अब गेम क्या खेलना है, जब भी आएगा कामयाब और जब भी आएगा विश्वास मन में बोलना है, इसका साउंड नहीं आएगा। इट्स ए गेम, खेलेंगे मतलब जब भी आएगा और जब भी आएगा और मतलब कैसा होगा, हम होंगे, हम होंगे, हम होंगे एक दिन, ओ हो मन में है पूरा है, हम होंगे। इससे गेम लगी, देखो विश्वास और कामयाब मन मन में बोलना है, साउंड नहीं आएगा। रेडी, वन टू थ्री, देखो इसी को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, टीम वर्क में कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है। रेडी, इट्स ए ये एक मेथड है, एक्सरसाइज है। रेडी, वन टू थ्री, हम होंगे, हम होंगे, हम होंगे, नाइन्टी परसेंट आ गया, 10% कहीं से लीक हो रहा था, पंक्चर हो रहा था। आपको 90% चलेगा, 100% नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, लास्ट चांस। रेडी, वन टू थ्री, आया चलेगा, एक यहां से हो गया एक वहां से हो गया, तो 98% आया। कैंसिल कर दें, फिनिश कर दें, 100% चाहिए, इसके बाद नो चांस। अब कामयाब विश्वास मैं बोलूंगा, आपको नहीं बोलना है, लेकिन आपको 100% नहीं बोलना है। रेडी, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, वन टू थ्री, कामयाब, 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 विश्वास, आप जरूर कामयाब होंगे अपनी जिंदगी में। हमारे शुभकामनाएं आपके साथ है, मारवाड़ मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी, मौला आजाद विश्वविद्यालय, मौला आजाद यूनिवर्सिटी, आपका बहुत आभारी है कि आपके साथ अच्छे पल गुजारने का हमको मौका मिला। और अगर जिंदगी बाकी रही, मिलेंगे एक लंबे से ब्रेक के बाद। और दूसरी बात, इसमें कितने लोग हैं जो यूट्यूब पे विजिट करते हैं, देखते हैं, तो राबता फाउंडेशन पे बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं,
आप जरूर शिक्षण के इसके लिए देख सकते हैं, उसको सब्सक्राइब कीजिए, कॉन्टेक्ट में रहिए, और जिंदगी बाकी रही तो फिर आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, थैंक यू। ये प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा और हम उम्मीद करते हैं सर प्लीज आप लोग वापस आइएगा ये प्रोग्राम के लिए, और आपने आज जितना भी टाइम हम लोगों के साथ स्पेंड किया वो बहुत अच्छा था और हमें याद आएगा। आज हमने नई चीज सीखने को मिली पर्सनालिटी, और हमें कुछ नया और कुछ नया सीखने को मिला पर्सनालिटी एंड ऑल अबाउट फॉर योर, और आई रियली थैंक फॉर द सर एंड द यूनिवर्सिटी, थैंक यू। आज हमारे स्कूल में सईद अहमद सर आए, उन्होंने हमें मोटिवेट किया, हमें बहुत अच्छा लगा, और हम और चाहते हैं हम उनकी यूनिवर्सिटी में भी जाएंगे, हमें अच्छा लगेगा, हम वहीं से अपनी एजुकेशन आगे बढ़ाएंगे, और हम सर का बहुत थैंकफुल हैं। मौलाना सईद साहब हमारे स्कूल में आए, हमें बहुत ही अच्छा लगा, उन्होंने हमें लाइफ कैसे मोटिवेट करने के बहुत सी चीज़ें बताएं जो हमें दिल से बहुत अच्छा लगा, और हम उनके